हेलो स्टूडेंट्स मैं अभी आर चौधरी अपन 2019 और 2020 के जो जेई मेंस के क्वेश्चन हैं जिसमें फिजिकल का पोर्सन डिस्कस करने जा रहे हैं तो पहला टॉपिक जो है मूल कंसेप्ट और रिडोक्स रिएक्शंस एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस उसके क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है थीके? तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेई की तैयारी करें या नीट की तैयारी करें उनके लिए भी ये बढ़िया है प्रैक्टिस करें तो क्योंकि एग्जाम जो है जेई मेन का भी एन टी ए कंडक्ट कर रहा है और नीट का भी एन टी ए तो उस दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये पार्ट तो देखते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेंस नाइंटी टू ग्राम ऑफ एन ए प्लस आय पर किलोग्राम ऑफ वाटर द मोलेलिटी ऑफ एन ए प्लस आय आइंस इन दैट सोल्यूशन इन मोल पर मोलेलिटी तो की यूनिट है मोल पर केजी आपको एन ए प्लस आयन की मोलेलिटी बतानी है। मोलेलिटी इक्वल होती है किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मोल को रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड यहां पर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम पर के जी सोल्वेंट में जो सोल्यूट के मोल होते हैं उसी को ही मोलेलिटी कहते हैं मोलेलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रजेंट इन वन के जी ऑफ सोलवेंट मोल को रिप्लेस किया है वेट बाई मोलिकुलर वेट से और वेट ऑफ सोल्वेंट है ही अब आपको यहां दे रखा है 92 ग्राम ऑफ एन ए प्लस नाइन्टी टू ग्राम ऑफ एन ए प्लस आइंस प्रजेंट पर किलोग्राम ऑफ वाटर तो ये रख देते हैं एन ए प्लस का जो पर के जी में मास है वो है नाइन्टी टू नाइन्टी टू ये सोडियम के लिए एटॉमिक वेट 23, मोलर मास सोडियम का पर केजी के जी के अंदर है तो 1 के जी तो ये आ गया आपका मोलेलिटी आ गई 4 मोल पर के जी फोर मोल पर के जी सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही आपका आंसर आएगा फोर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल इन इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल इन मिथेनीज परसेंटेज कंपोजिशन बताना है बट बाई मास नहीं बताना है बाई मोल बताना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल इन मिथेनीज बाई मोल तो ये मिथेन का फॉर्मूला है क्या कहोगे इन वन मोल मिथेन देर इज वन मोल कार्बन एटम एंड फोर मोल हाइड्रोजन एटम मोल कार्बन एटम एंड फोर मोल हाइड्रोजन एटम तो क्या कहोगे मोल्स ऑफ कार्बन इन वन मोल ऑफ मिथेन इज इक्वल टू क्या बताओगे वन टोटल मोल्स ऑफ एटम टोटल मोल्स ऑफ एटम तो क्या बता दोगे फाइव बताओगे वन बाई फाइव टोटल एटम के फाइव मोल है उसमें से कार्बन एटम का क्या है वन मोल है इन टू हंड्रेड कर देंगे ट्वेंटी परसेंट आ जाएगा यही क्वेश्चन अगर आपको ये कहा जाता है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मास इन तो कैसे करते बाई मास अगर परसेंटेज बतानी होती में कार्बन की तो कैसे बताते नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मोलिक्यूल वन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन ट्वेल्व मोलिकुलर वेट ऑफ मिथेन सिक्सटीन इन टू हंड्रेड मास परसेंट अगर कहते तो सेवेंटी फाइव परसेंट आती आपको मोल परसेंट कहा तो मोल परसेंट क्या आ जाएगी ट्वेंटी आएगी मोल परसेंट की आएगी मास परसेंट होता तो फोर्थ आता ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ सी फिफ्टी सेवन हाइड्रोजन वन वन जीरो ऑक्सीजन सिक्स इज ये दिया है ये रिएक्शन दी है। आपको मास दिया रिएक्टेंट का रिएक्टेंट का मास दिया है तो मोल में कन्वर्ट कर देते हैं मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास 445, 445 अपॉन में क्या कर दोगे ये 57 मोलर मास बता रहे 57 सेवन इन ट्वेल्व प्लस में वन इंटू वन वन जीरो प्लस में सिक्स इंटू सिक्सटीन ये नाइन्टी सिक्स आ गया ये वन वन जीरो है ये आ गया मोलर मास ये आ गया एट नाइन जीरो मोलर मास एट नाइन जीरो देखोगे फोर फोर्टी फाइव अपॉन में एट नाइन जीरो इसके मोल आगे कितना मोल है इसका पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मोल है इसका आपको यह कहा कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फोर फोर्टी फाइव ग्राम ऑफ सी फिफ्टी सेवन एच वन वन जीरो ओ सीज आपको वाटर का मास बताना है कि कितना वाटर प्रोड्यूस होगा तो पहले मोल बता दिए इसके पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मोल है इसके और पॉइंट फाइव मोल से टू मोल से किस किस फॉर्मेशन हो रहा है डायरेक्टली आप मास से भी रिलेट कर सकते थे इसको डायरेक्टली मास से भी रिलेट कर सकते थे क्योंकि स्ट्रोक्योमेट्री का जो प्रॉब्लम है वो मास से भी कर सकते हो मोल से भी कर सकते हो मैंने इसके मोल बताए 2 से वन वन जीरो मोल का फॉर्मेशन हो रहा है टू से वन से कितने का होगा फिफ्टी फाइव का एंड पॉइंट फाइव से कितने का होगा टू से क्या का मैंने टू से कितने का मोल 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 का का से कितने फॉर्मेशन होगा तो ये आ जाएगा इसके जो मोल आए हैं वो पॉइंट फाइव आए हैं तो पॉइंट फाइव मोल से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये आएगा फिफ्टी फाइव बाई टू फिफ्टी फाइव बाई अब आपको मास कहा था आपको यह कहा था कि मास क्या होगा पॉइंट फाइव मोल से यह आ गया फिफ्टी फाइव बाई टू ये मोल आए हैं मास के लिए क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे फिफ्टी फाइव बाई टू को मल्टीप्लाई कर दो एटीन से मोलिकुलर वेट है वाटर का एटीन तो यह नाइन आ जाएगा ये आ गया 495 ग्राम फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड आप डायरेक्टली इसको मास से भी कर सकते थे मास मास रिलेशनशिप कैसे बताते टू इंटू टू इंटू एट नाइन जीरो ग्राम से टू टू 890 एट नाइन जीरो ग्राम से फॉर्मेशन हो रहा है किसका वन वन जीरो एटीन ग्राम का one, one, zero, वन जीरोन ग्राम का आपको यह बताना है कि फोर फोर्टी फाइव ग्राम से वाटर के कितने मास का फॉर्मेशन होगा डायरेक्टली बता सकते थे कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन दे रखी है कोई प्रॉब्लम नहीं है मोल से भी बता सकते हो मास से भी बता सकते हो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अमाउंट ऑफ सुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू लीटर ऑफ इट्स पॉइंट वन कैपिटल एम एक्वा सोल्यूशन इज कैपिटल एम मीन मोलर पॉइंट वन मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है और कितने कितना वॉल्यूम प्रिपेयर करना है टू लीटर आपको यह कहा है कि द अमाउंट ऑफ सुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू लीटर ऑफ इट्स पॉइंट वन मोलर एक्वा सोल्यूशन इज तो मोल बता दोगे मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इन टू वॉल्यूम इन लीटर िटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर मोलरिटी जो प्रिपेयर करनी है सोल्यूशन उसकी मोलरिटी पॉइंट वन कितना करना है टू लीटर तो पॉइंट पॉइंट टू मोल की रिक्वायरमेंट होगी पॉइंट टू मोल दुगर रिक्वायर्ड पॉइंट टू मोल आपको मास का है ग्राम में तो पॉइंट टू को मल्टीप्लाई कर दोगे इसके मोलिकुलर वेट से कार्बन ट्वेल्व हाइड्रोजन ट्वेंटी टू ऑक्सीजन इलेवन मोलिकुलर वेट यह आएगा ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व प्लस में वन इंटू ट्वेंटी टू प्लस में इलेवन इंटू सिक्सटीन एड कर दोगे थ्री फोर्टी टू आएगा थ्री फोर्टी टू फोर्टी टू से मल्टीप्लाई कर दो और आगे ग्राम सिक्सटी एट पॉइंट फोर ग्राम सिक्सटी एट पॉइंट फोर ग्राम ये आपका आंसर आएगा सिक्सटी एट पॉइंट फोर ग्राम ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टिमेटेड थ्रू ड्यूमाज मेथड ड्यूमाज मेथड नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज की जाती है ड्यूमाज मेथड है ड्यूमाज एंड वाज़ फाउंड टू इवॉल्व सिक्स मोल्स ऑफ सीओ टू फोर मोल्स ऑफ वाटर एंड वन मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज तो देखोगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है एंड नाइट्रोजन भी है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करे हो और कंप्लीट ऑक्सीडेशन से फॉर्मेशन हो रहा है सीओ टू का एक्स मोल सीओ टू का फॉर्मेशन होगा वाटर के लिए क्या बताओगे वाई बाई टू मोल एंड नाइट्रोजन के लिए क्या बताओगे जेड बाई टू हो गया। आपको ये कहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टिमेटेड थ्रू डूमा मेथड एंड वॉज फाउंड टू इवॉल्व सिक्स मोल ऑफ मोल्स टू सिक्स वॉटर के लिए दे रखा है फोर मोल्स ऑफ वॉटर यानी वाई बाई टू इज इक्वल टू फोर तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एट जेड बाई टू जेड बाई टू इज इक्वल टू वन सो जेड इज इक्वल टू टू ये आ गया एक्स सिक्स है यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम सिक्स है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको इसका फॉर्मूला बताना था द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज़, नंबर ऑफ कार्बन एटम सिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम एट नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम टू देख लो सिक्स एट एंड टू ये करेक्ट है कोई डाउट नहीं है नेक्स्ट देखते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं टेन मिलीग्राम एवरवेड टैबलेट कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑक्जेलिक एसिड रिलीज 0.25 टू फाइव एम एल ऑफ सी ओ टू एट टू नाइंटी एट कैलवीन एंड वन बार प्रेशर इज इक्वल टू वन बार इफ मोलर वॉल्यूम ऑफ सी ओ टू इज ट्वेंटी फाइव लीटर अंडर सच कंडीशन वॉट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट इन ईच टैबलेट टैबलेट का मास दे रखा है टेन मिलीग्राम इससे जो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है उसका वॉल्यूम दे रखा है देखोगे मोस्ट ऑफ CO2, टू एन सीओ टू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीओ टू पॉइंट टू फाइव एम एल पॉइंट टू फाइव एम एल है इट मींस पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पॉल माइनस थ्री लीटर अपॉन में ट्वेंटी फाइव तो ये आ गया आपका टेन की पॉल माइनस फाइव ठीक है सीओ टू के मोल्स आगे अब ये रिएक्शन होगी इन बिटवीन ऑक्जेलिक एसिड एंड सोडियम बाई कार्बोनेट ऑक्जेलिक एसिड इन बिटवीन ऑक्जेलिक एसिड एंड सोडियम बाई कार्बोनेट ये रिएक्शन होगी सोडियम बाई कार्बोनेट सॉरी एन एस सीओ थ्री मोल्स ऑफ सीओ टू इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एन एस सीओ थ्री सीओ टू के मोल्स एक्जैक्टली इक्वल होंगे एन एस सीओ थ्री के मोल्स के सोडियम बाई कार्बोनेट के मोल्स के तो मोल्स ऑफ बाई कार्बोनेट क्या जाएंगे मोल्स ऑफ बाई कार्बोनेट तो ये आएंगे सोडियम बाई कार्बोनेट के मोल टेन की पावर माइनस फाइव मास बताएंगे तो मल्टीप्लाई कर दो मोलिकुलर वेट से मास ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट ट यह आ जाएगा एटी फोर मोलिकुलर वेट है इन टू टेन की पॉवर माइनस फाइव यूनिट आएगी इसके लिए ग्राम ये ग्राम में मास आएगा सोडियम बाई कार्बोनेट का नेक्स्ट देखते हैं इसी का पार्ट आगे देखते हैं मास आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट का मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट एन एस सी थ्री इज इक्वल टू यह है एटी फोर इंटू टेन की पावर माइनस फाइव ग्राम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि टेबलेट का जो मास दे रखा है वो मिलीग्राम में दे रखा है यह आ गया आपके एटी फोर इंटू टेन की पावर माइनस टू मिलीग्राम ये मिलीग्राम में मास आ गया किसका सोडियम बाइकार्बोनेट का परसेंटेज है आपको परसेंटेज ऑफ एन एस सीओ थ्री इन टैबलेट परसेंटेज ऑफ एन एस सीओ थ्री इन टैबलेट तो क्या आ जाएगी परसेंटेज मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन मिलीग्राम 84 फोर इन टेन की फॉर माइनस टू अपॉन में टेन इन हंड्रेड तो ये आपका आंसर आएगा यहां से 8.4, 8.4 फोर ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द हार्डनेस ऑफ ए वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ इक्वलेंट्स ऑफ सी एस थ्री कंटेनिंग टेन गी फोर माइनस थ्री मोलर सी एस ईओ थ्री इज मोलर मास दे रखा है कैल्शियम सल्फेट का बट मोलर मास की आपको रिक्वायरमेंट होगी नहीं आपको कहा कि टेन की पावर माइनस थ्री मोलर कैल्शियम सल्फेट है क्या मीनिंग है इसका टेन की पावर माइनस थ्री मोल कैल्सियम सल्फेट परसेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन टेन की पावर माइनस थ्री मोल सी एसओ फोर परसेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन आप ये भी कह सकते हो और टेन की पावर माइनस थ्री मोल कैल्शियम सल्फेट परजेंटिन वन लीटर ऑफ वाटर वन लीटर ऑफ वाटर कैल्शियम सल्फेट के जो मोल होंगे हार्डनेस को सी एस के ट्रम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है ppm में रिप्रेजेंट करते हैं और सी थ्री के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो टोटल मोल्स ऑफ हार्डनेस हमेशा इक्वल होती है किसके टोटल मोल्स ऑफ सी एस तो क्या बता देंगे जितने हार्डनेस के मोल है हार्डनेस के कितने मोल है टेन की पावर माइनस थ्री मोल है तो यही सी एस थ्री के मोल्स ले लेंगे तो मोल्स ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू क्या जाएगा टेन की पावर माइनस थ्री मास ऑफ हार्डनेस मास ऑफ हार्डनेस मींस मास ऑफ सी ए सीओ थ्री हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दोगे ये आपका आएगा पॉइंट वन ग्राम मास आ गया मास ऑफ हार्डनेस पॉइंट वन पॉइंट वन ग्राम अब आप पीपीए में आपको कंसंट्रेशन बतानी है देखते हैं पॉइंट वन मास ऑफ हार्डनेस अपॉन में टेन की पावर थ्री इन टेन की पावर सिक्स यह आ जाएगा आपके हंड्रेड पीपी हंड्रेड पीपी यह आपका आंसर कोई डाउट नहीं है रिपीट कर देता हूं मैं हार्डनेस जो टॉपिक है हार्डनेस टेम्परेरी हो या परमानेंट टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू बाई ऑफ सी एंड एम होगी एंड परमानेंट हार्डनेस जो होगी ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ सी एंड होगी हार्डनेस को हमेशा सी एस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे पीपीएम में रिप्रेजेंट करेंगे और पीपीएम के लिए क्या होता है मास ऑफ सोलूट इन ग्राम अपॉन में मास ऑफ मासन इन ग्राम इंटू टेन की हार्डनेस के केस में यहां मास ऑफ वाटर आ जाएगा मास ऑफ वाटर इन टू टेन की फोर सिक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट है द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ वन मोलर हाइड्रोजन प्रोक्साइड इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली रिलेशन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलरिटी में ये रिलेशन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ये इलेवन पॉइंट मोलरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ये फाइव पॉइंट सिक्स इंटू नॉर्मेलिटी तो मोलेरिटी इज इक्वल टू वन दे रखी है आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताना है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इलेवन पॉइंट टू आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगा 11.2 क्लोज ऑप्शन जो है 11.2 का यही है 11.35 तो आप ये करेक्ट कर वन मोलर हाइड्रोजन प्रोक्साइड सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एट ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्वड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन एंड मोलिलिटी ऑफ द सोल्यूशन रेस्पेक्टिवली आर एट ग्राम ऑफ एन एच मोल्स ऑफ एन इज इक्वल टू क्या बता दोगे मोल्स ऑफ़ इज इक्वल टू एट अपॉन में फोर्टी एट बाय फोर्टी यानी पॉइंट टू पॉइंट टू मोल है किसके एन के पॉइंट टू एनएच के मोल आगे पॉइंट टू वॉटर के मोल्स क्या आएंगे 18 ग्राम वाटर है 18 ग्राम मींस वन मोल है 18 बाई 18 वन है 0.2 मोल NaOH प्रेजेंट विद वन मोल ऑफ वाटर तो मोल फ्रैक्शन बताना है आपको NaOH का मोल फ्रैक्शन कैसे बताते हैं मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल्स उस कंपोनेंट के मोल यानी NaOH के मोल 0.2 है टोटल मोल 1.2 है तो 1 6 आ गई मोल फ्रैक्शन 1 6 का मतलब 0.167 मोल फ्रैक्शन है 0.167 अब देखते हैं मोलेलिटी क्या आएगी मोलेलिटी तो मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या बताओगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 0.2 वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम वाटर है 18 बाय 1000 तो ये आपका आएगा 200 बाय 18 हंड्रेड बाई नाइन आ गया हंड्रेड बाई नाइन यानी इलेवन पॉइंट वन आ गया तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो कुछ भी नहीं सिंपली मोल फ्रैक्शन एंड मोलिलिटी बताना है कुछ भी नहीं नेक्स्ट देखते हैं हंड्रेड एम एल ऑफ ए वाटर सैंपल कंटेंस पॉइंट एट वन ग्राम ऑफ कैल्शियम बाई कार्बोनेट एंड पॉइंट सेवन थ्री ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट कैल्शियम बाई कार्बोनेट एंड मैग्नेशियम बाई कार्बोनेट द हार्डनेस ऑफ दिस वाटर सैंपल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इक्वलेंट्स ऑफ सी एस सी थ्री इज तो वही वापस क्वेश्चन वही आ गया थोड़ा पहले क्वेश्चन हार्डनेस का बताया था मैंने कहा था कि हार्डनेस को हमेशा किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं सी एस थ्री के टर्म्स में और जो यूनिट यूज करते हैं वो है पी पी एम तो देख लेते हैं मोल्स ऑफ हार्डनेस डायरेक्टली नोट करूंगा मोल्स ऑफ हार्डनेस जिसकी भी हार्डनेस है उसके मोल बता दो स इज इक्वल टू किसकी हार्डनेस है कैल्सियम बाई कार्बोनेट की पॉइंट एट वन पॉइंट एट वन अपॉन में आपको मोलिकुलर वेट दे रखा है क्वेश्चन में वन सिक्सटी टू वन सिक्सटी टू यह आ जाएगा वन बाई टू हंड्रेड एड कर लेते हैं आगे टोटल मोल्स नोट कर दिया है प्लस में पॉइंट सेवन थ्री थ्री अपॉन में इसका भी मोलिकुलर वेट दे रखा आपको वन फोर्टी सिक्स वन फोर्टी सिक्स ये आ गया टू ये भी टू तो वन बाई टू हंड्रेड प्लस वन बाई टू हंड्रेड यानी वन बाई हंड्रेड आगे टोटल मोल्स आगे हार्डनेस के टोटल जो मोल है टोटल मोल्स ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू वन वन बाई हंड्रेड मोल मास ऑफ हार्डनेस मास ऑफ हार्डनेस मींस अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया मास ऑफ हार्डनेस मीन्स मास ऑफ सी ए सीओ थ्री हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ हार्डनेस आ जाएगा आपके वन ग्राम ये हार्डनेस का मास आ गया वन ग्राम अब क्या करेंगे अपन आपको बताया था मास ऑफ हार्डनेस अपॉन में मास ऑफ वाटर इनटू क्या कर दोगे टेन की फोर सिक्स वाटर का 100 एम है तो वाटर के लिए डेंसिटी वन होती है तो मास कितना हंड्रेड ग्राम तो क्या बता दोगे ये देखो इधर वन आ गया अपॉन में अपॉन में हंड्रेड इन टू टेन की पोर सिक्स इंटू टेन की पोर सिक्स तो क्या आएगी हार्डनेस इन पीपीएम इन टर्म्स ऑफ सी ए थ्री टेन की पोव फोर आ जाएगी टेन की पोर फोर पीपीएम टेन की पोर फोर पीपीएम कोई डाउट नहीं है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ 11.2 पॉइंट टू वी सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड इज द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब ऑप्शन में दे रखी है परसेंटेज स्ट्रेंथ बतानी है परसेंटेज स्ट्रेंथ डायरेक्टली बता दोगे ये रिलेशन होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 56 बाय 17 सेवेंटीन परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स बाई इनटू इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है इलेवन पॉइंट टू इज इक्वल टू क्या जाएगा फिफ्टी सिक्स बाई इनटू इन टू परसेंटेज स्ट्रेंथ तो यहां से जो परसेंटेज स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फोर हाइड्रोजन प्रोक्साइड के केस में परसेंटेज स्ट्रेंथ से क्या मीनिंग है परसेंटेज स्टेंस से मीनिंग है वेट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन ग्राम प्रजेंट इन हंड्रेड एम एल ऑफ सोल्यूशन एंड वॉल्यूम स्टेंस से क्या मीनिंग है तो वॉल्यूम स्टेंस से मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एस टीपी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एस टीपी गिवन बाई वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन अब अगर ये वॉल्यूम एम रखा हो, वॉल्यूम ऑफ O2 इन एम एल एट एस टी पी गिवन बाई वन एम एल हाइड्रोजनसाइड सोल्यूशन वन एम एल हाइड्रोजन प्रोक्साइड सोल्यूशन से जितने एम एल मिलेगी एट एस वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ है बताता हूं मैं एक मिनट इधर देखोगे आपको कहेगी ये लेबल लगा रखा है 3.4 परसेंट का इसका क्या मीनिंग हुआ इसका मीनिंग ये हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में 3.4 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड है 3.4 ग्राम 1 ml में 1 ml में हाइड्रोजन परऑक्साइड कितना आएगा तो 3.4 अपॉन में 100 ग्राम ये मास ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन अब हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐसे डिसोसिएट होता है इस तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस में के अकॉर्डिंग क्या बताओगे? इसका मोल मोल से उसके हाफ का फॉर्मेशन हो रहा है थर्टी फोर ग्राम से फॉर्मेशन हो, हाँ तो हो रहा है कितने एम एल ऑक्सीजन का इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एम एल ऑक्सीजन का कब एट एस टीपी वन ग्राम हाइड्रोजन प्रोक्साइड से फॉर्मेशन होगा इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड बाई थर्टी एम एल का अब देखो वन एम एल सोल्यूशन में हाइड्रोजन प्रोक्साइड का मास ये इस मास से जितने ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ है तो क्या बताएंगे में uh, कितने एमएलजन मिलेगी तो ये आ जाएगा इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड अपॉन में थर्टी फोर इंटू थ्री पॉइंट फोर बाई हंड्रेड ये आ गया इलेवन पॉइंट टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन एम एल ऑपटेंड बाई वन एम एल हाइड्रोजन प्रोक्साइड सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन लीटर एट एस टीपी ऑपटेंड बाई वन लीटर हाइड्रोजन प्रोक्साइड सोल्यूशन इसीलिए मैंने यूनिट लिखा ही नहीं है मैंने क्या कहा था वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑपटेंड एट एस टीपी बाई वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड सोल्यूशन ठीक है आपने यहां एम एल लेकर के क्वेश्चन किया है इस तरीके से लास्ट में ही देखो आप इस तरह से आया है ये ये आ रहा इंटू थ्री पॉइंट फोर तो थ्री पॉइंट फोर आपका percentage stand था, 1, 1, by 34, तो आप ये कह सकते हो कि ये रिलेशन आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स बाई सेवेंटीन इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ ये रिलेशन किस में वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइव ग्राम ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विथ एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्सोडियम हाइड्रोक्साइड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व इन दीज टू रिएक्शंस इज सेपरेटली रिएक्शन हो रही है किसमें जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एंड जिंक और एन ओ एच में इस क्वेश्चन को आप मोल से भी कर सकते हो और इस क्वेश्चन को आप ग्राम इक्वलेंट से भी कर सकते हो फाइव ग्राम ऑफ जिंक इज इट मीन्स जो भी मोल होंगे जिंक के दोनों केस में जिंक का मास सेम है तो मोल सेम है वन मोल जिंक से वन मोल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वन मोल जिंक से वन मोल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है विथ एन तो क्या बताओगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन बोथ केसेज आर सेम सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आर ऑल्सो सेम

ज इक्वल टू ग्राम इकुलेंट ऑफ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के ग्राम इक्लेट सेम होंगे और हाइड्रोजन के ग्राम इकुलेंट सेम होंगे इसका मतलब क्या बताओगे वॉल्यूम सेम होगा दोनों के कंडीशन में जिनके सेम वेट के साथ एनएच भी रिएक्शन करा जिनके उसी वेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिएक्शन करा सो द ग्राम इकुलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मड इन बोथ केसेज आर सेम सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सेम तो रेशियो क्या आ जाएगा one, one आएगा आप मोल से करते हो तो ये रिएक्शन नोट कर रखिए और अगर आप ग्राम इक्ट से करते हो तो, तो रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टीन फॉर ए रिएक्शन नाइट्रोजन गैस प्लस में थ्री हाइड्रोजन थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन और टू मोल एन एस थ्री का आइडेंटिफाई डाई हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सर्स। आपको ये जो रिएक्शन मिक्सर दे रखे हैं इसमें वो रिएक्शन मिक्सर देखना है जिसमें डाई हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो तो फर्स्ट केस में देख लेते हैं क्या बताओगे आपको इधर ध्यान देना लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है गिवन गिवन मोल्स को को डिवाइड डिवाइड करना करना है करना है है दिए गए मोल किससे से 56 ग्राम इट मीन टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और ये फाइव है फर्स्ट ऑप्शन में टू मोल्स ऑफ हाइड्राइट्रोजन विद मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो टू बाई वन कर देंगे ये फाइव बाई थ्री होगा इनमें से जो वैल्यू कम आए जिस रिएक्टेंट के लिए वैल्यू कम आए क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो किसको गिवन मोल्स को डिवाइड कर रहे हो से जिस रिएक्टेंट के लिए वैल्यू मिनिमम आए वो लिमिटिंग होगा तो इस केस में देख लो लिमिटिंग रिजेंट कौन होगा हाइड्रोजन होगा इसके लिए ये वैल्यू आ रही है फाइव बाई थ्री आपको कहे की एन एस थ्री के कितने मोल्स का फॉर्मेशन होगा तो टू से मल्टीप्लाई कर दो टेन बाई थ्री मोल्स का फॉर्मेशन होगा ठीक है सेकेंड केस में देख लेते हैं 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन यानी इसका कितना मोल है 1/2 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ये कितने मोल है ये है 2 मोल 2 तो क्या करेंगे ये 0.5 आएगी इसके लिए वैल्यू 0.5 1/2 का मतलब 0.5/1 इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी 2 लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा सेकेंड कंडीशन में अगर कहे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है तो ये 0.5 /1 और यहां 2/3 इसके 2 मोल दे रखे 2/3 तो क्या बता दो कि ये पॉइंट है ये पॉइंट है लिमिटिंग रीजेंट इज नाइट्रोजन तो ये ऑप्शन नहीं होगा वैसे ऑप्शन आपका आंसर आ गया है फर्स्ट ऑप्शन लेकिन और भी देख लेते हैं इस केस में क्या होगा कोई भी कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग रिजेंट नहीं होगा कंप्लीटली यूज होगा नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन भी लिमिटिंग रीजेंट की कंसेप्ट ही नहीं होगी यहां क्या कहेंगे इसके कितने मोल है फोर इसके थर्टी ग्राम है थर्टी को डिवाइड कर देंगे किससे से ट्वेंटी से फाइव बाई फोर है फाइव बाई फोर और ये कितना आ आगे एट तो ये बाई क्या आएगा थ्री ये फाइव बाई फोर कौन सी वैल्यू ज्यादा है तो क्या कौन सी वैल्यू कम है तो नाइट्रोजन के लिए वैल्यू कम है तो यहां पर भी लिमिटिंग भीजेंट नाइट्रोजन यहां लिमिटिंग रीजेंट नाइट्रोजन और यहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्शन करें आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि किस केस में डाई हाइड्रोजन लिमिटिंग रिजेंट है तो इन केस ऑफ फर्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वाट वुड बी द मोलिलिटी ऑफ ट्वेंटी परसेंट मास बाई सोल्यूशन ऑफ के आई ट्वेंटी परसेंट मास बाई मास्यूशन ऑफ के आई मोलिलिटी बता रही है तो मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट ये आ जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी ये एटी आएगा ये वन थाउजेंड किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या ही के लिए मोलर मास दे रखा है वन सिक्सटी सिक्स ये फोर आ गया तो ये आ गया वन थाउजेंड बाई वन सिक्सटी सिक्स इंटू फोर यानी टू फिफ्टी बाई वन सिक्सटी सिक्स टू फिफ्टी बाई वन सिक्सटी सिक्स तो वन पॉइंट फाइव वन आएगा ये 1.51 डिवाइड करने से ये क्वेश्चन नंबर 14 था सिंपल क्वेश्चन था मोलेलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एट 300 केल्विन एंड 1 एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेशर 10 एमएल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 55 एमएल ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबसन एंड 40 एमएल ऑफ CO2 इज फॉर्मड द फ़ॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज ये यूडियोमेट्री की प्रॉब्लम है देखना सिंपली ये कंबसन के लिए हाइड्रोकार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम को एक्स मानना है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को वाई लिया है इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ये इक्वेशन होगा ये हो गया देखोगे आपको दे रखा है यूडियोमेट्री में ये

कार्बन फोर है हाइड्रोजन सिक्स है कार्बन फोर हाइड्रोजन सिक्स ठीक है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज फॉर द रिएक्शन कौन सी रिएक्शन में मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट के लिए इस केस में देख लेते हैं फर्स्ट केस में P4 है P4 फोर 31 थर्टी वन इंटू फोर थर्टी वन इंटू फोर ग्राम रिएक्टेंट के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वन सिक्सटी ग्राम की पर ग्राम रिएक्टेंट के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी तो वन सिक्सटी बाई क्या जाएगा वन सिक्सटी बाई वन ट्वेंटी फोर ग्राम फर्स्ट केस में ये आ रहा है सेकेंड केस में देख लेते हैं थ्री एच एट वन मोल के लिए फाइव मोल की रिक्वायरमेंट है फोर्टी फोर ग्राम के लिए रिक्वायरमेंट है वन सिक्सटी ग्राम की वन ग्राम के लिए रिक्वायरमेंट होगी वन सिक्सटी बाई वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर नहीं ओनली फोर्टी फोर थर्ड केस में देखते हैं फोर मोल के लिए यानी फोर इंटू फिफ्टी सिक्स ग्राम के लिए रिक्वायरमेंट है थ्री मोल की यानी नाइनटी सिक्स ग्राम ऑक्सीजन की वन ग्राम एफ के लिए रिक्वायरमेंट होगी नाइनटी सिक्स अपॉन में क्या आ जाएगा थर्ड केस में नाइन्टी सिक्स अपॉन में टू ट्वेंटी फोर आएगा ये आ रहा है थर्ड केस में लास्ट केस में देख लो फोर्टी एट ग्राम के लिए रिक्वायरमेंट है थर्टी टू ग्राम की वन ग्राम के लिए रिक्वायरमेंट होगी तो क्या आ जाएगा ये टू बाई ग्राम आएगा फोर्थ केस में टू बाई ग्राम आ रहा है और इस केस में बाई थ्री का मतलब आ रहा है सेवन ग्राम और यहां पर ये ग्राम आ रहा तो मिनिमम ये ये हो गया ग्राम ग्राम तो थर्ड ऑप्शन पर ऑफ रिएक्टेंट के लिए मिनिमम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ये देखो आप पर ग्राम रिएक्टेंट के लिए फर्स्ट केस में ये सेकंड सेकेंड केस में रिक्वायरमेंट ये आपको मैक्सिमम भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि मैक्सिमम किस केस में मैक्सिमम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो सेकंड केस में मैक्सिमम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और मिनिमम अगर कहे तो थर्ड केस में ऑर्डर भी पूछा जा सकता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिस्प्रोपोर्सनेशन रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्सनेशन में क्या होता है सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है जैसे ये प्लस थ्री में प्लस फाइव भी हो रहा हो प्लस वन भी हो रहा हो इसको कहेंगे डिस्प्रोपोर्सनेशन और इसका अगर ओपोजिट हो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और कॉमन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा हो तो इसको कम प्रोपोर्सनेशन कहेंगे आपको ये पूछा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो एग्जाम्पल है डिस्प्रोपोर्सनेशन का तो देख लो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कॉपर प्लस वन में प्लस टू एंड जीरो में जा रहा है डिस्प्रोपोर्सनेशन का एग्जाम्पल है ये ये रिडोक्स का एग्जाम्पल है बट डिस्प्रोपोर्सनेशन का नहीं ये भी रिडोक्स का एग्जाम्पल है बट डिस्प्रोपोर्सनेशन का नहीं इस केस में देखो लास्ट केस में एम एन के टू कंपाउंड है प्रोडक्ट की साइड में बट देखो देखिए यहां पर प्लस सेवन है ये प्लस सिक्स और ये प्लस फोर डिक्रीज हो रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी होना चाहिए और इंक्रीज भी होना चाहिए दूसरी बात यह है कि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना तो डिस्प्रोपोर्सनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है डिस्प्रोपोर्सनेशन के लिए इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना जरूरी ठीक है कोई भी एलिमेंट अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तभी उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होने की पॉसिबिलिटी होगी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 फाइव मोल्स ऑफ ए बी टू वे फाइव मोल का वेट ये है, टेन मोल का वेट ये है, टेन मोल ए टू बी टू का वेट ये है तो देख लेते हैं वन मोल का वेट क्या आएगा वन मोल ए बी टू का वेट क्या आएगा वन मोल ए बी टू क्या वेट आएगा इसका फाइव से डिवाइड कर दो ट्वेंटी फाइव इन टेन की पावर माइनस थ्री ए टू बी टू के केस में क्या बताओगे वन मोल का वेट क्या आएगा वन मोल ए टू बी टू का वेट क्या आएगा 10 से डिवाइड कर दो थर्टी इंटू टेन की पावर माइनस थ्री ले रहा हूं बी के मोलर मास को माइ ले रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन तो आपका पॉवर माइनस थ्री और सेकेंड ऑप्शन सेकेंड इक्वेशन यह आएगा टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थर्टी इंटू टेन की पावर माइनस थ्री सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा फाइव इंटू टेन की पावर माइनस थ्री ऐसे ही वाई की वैल्यू बताओ दोगे दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी वाई इज इक्वल टू आएगा टेन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री टेन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री देख लो ऑप्शन में से आपको किलोग्राम पर मोल में कहा था किलोग्राम पर मोल में तो यूनिट वही ही रखी है किलोग्राम पर मोल तो एम ई मोलर मास ऑफ ई फाइव इंटू टेन की पॉवर माइनस थ्री एंड मोलर मास ऑफ बी टेन इंटू टेन की पॉवर माइनस थ्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इज 0.8 एट द मोलिटी ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन इज बोर्ड पे देखोगे ये रिलेशन है मोलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में मोलिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जिसको आप वन माइनस एक्स ए नोट कर सकते हो ये वन थाउजेंड है और ये मोलिकुलर वेट है सॉल्वेंट का सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट तो एज ए सॉल्वेंट क्या है एक्वा सॉल्यूशन है इसका मतलब एज ए सॉल्वेंट वाटर है तो मोलिटी इज इक्वल टू क्या जाएगा एक्स कितना एक्सई पॉइंट टू ये पॉइंट ये वन थाउजेंड और ये एटीन थाउजेंड अपॉन में ये आ गया एटीन इंटू फोर सेवेंटी टू थाउजेंड बाई सेवेंटी टू यानी थर्टीन पॉइंट एट एट थर्टीन पॉइंट एट एट मोल पर के सी तो आपका आंसर हो जाएगा फोर नेक्स्ट देखते हैं ट्वेंटी फाइव ग्राम ऑफ एन अनोन हाइड्रोकार्बन अपॉन बर्निंग ट्वेंटी फाइव ग्राम अनोन हाइड्रोकार्बन है उसके बर्निंग से एटी एट ग्राम सीओ टू का प्रोडक्शन हुआ है कार्बन एंड हाइड्रोजन का अमाउंट बताना है तो मास ऑफ मास ऑफ कार्बन कैसे बताएंगे कार्बन का मास वन मोल सीओ टू में वन मोल कार्बन एटम है मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई फोर्टी फोर इन टू वेट ऑफ co2 24 टू ट्वेंटी फोर ग्राम टोटल ट्वेंटी फाइव ग्राम है तो रिमेनिंग वन ग्राम हाइड्रोजन होगा फाइंड आउट डायरेक्टली कर सकते हो फिर भी डाटा दे रखा है आप अगर डाटा से फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो ये आएगा वन बाई नाइन इंटू मास ऑफ वॉटर वन ग्राम ट्वेंटी फोर ग्राम कार्बन एंड ग्राम हाइड्रोजन ये आंसर रहेगा ट्वेंटी फाइव ग्राम अननोन हाइड्रोकार्बन में मास ऑफ कार्बन है ट्वेंटी फोर ग्राम मास ऑफ हाइड्रोजन है ग्राम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन के टू ओ के टू ओ टू एंड के ओ टू इज पोटेशियम का बताना है पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स और एल्कली मेटल्स आर ऑलवेज प्लस वन इन इट्स कंपाउंड फर्स्ट ग्रुप का जो भी मेम्बर है उनका ऑक्सीडेशन नंबर इनके कंपाउंड में हमेशा क्या आएगा प्लस वन आएगा ऐसे ही सेकेंड ग्रुप के लिए अगर कहे तो प्लस टू आएगा सेकेंड ग्रुप के लिए फर्स्ट ग्रुप के लिए प्लस वन ऑलवेज प्लस वन एंड सेकेंड ग्रुप के लिए ऑलवेज प्लस टू सोडियम के लिए पोटेशियम के लिए अगर इलिमेंटल फॉर्म है तो जीरो है कंपाउंड में, तो प्लस, तो, में तो, sodium, तो प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, और प्लस वन है और कोई एलोई हो जैसे सोडियम 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 हो तो 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 में भी का का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर नंबर या पोटेशियम पोटेशियम आएगा ठीक है ऑफ़ यानी फर्स्ट ग्रुप मेटल्स आर ऑलवेज़ एंड ये करेक्ट एक बेस के सोल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है टाइट्रेशन से तो क्या करेंगे हमेशा क्या किया जाता है एक बेस है तो बेस का टाइट्रेशन करोगे एसिड के साथ बेस का टाइट्रेशन करोगे एसिड के साथ अननोन सोल्यूशन को हमेशा ब्यूरेट में लिया जाता है ब्यूरेट में लेते हैं अननोन सोल्यूशन को तो एन का सॉल्यूशन इसमें लेंगे एनएच का एक्वा सॉल्यूशन इसमें लेंगे एसिड का जो एक्वा सोल्यूशन है वो पिपेट की हेल्प से पिपेट की हेल्प से किस में लेंगे कॉनिकल प्लास्ट में लेंगे पिपेट की हेल्प से लेते हैं और किस में लिया जाता है कॉनिकल प्लास्ट में लिया जाता है ड्रॉप बाई ड्रॉप ये एड करते हैं इसमें वन या टू ड्रॉप इंडिकेटर की भी ऐड कर लेते हैं एंड पॉइंट पर इंडिकेटर का कलर चेंज होगा जिससे टाइट्रेशन के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और ये देख लेते हैं ब्यूरेट में से कितना एनएच यूज हुआ है और लास्ट में क्या कर देंगे वी कर देंगे किसके एन बी वीबीए इक्वल कर दोगे एनबीबी के और यहां से नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर दोगे बेस की तो देख लो ऑप्शन में से एक्वस इन ब्यूरेट एंड एक्वस ऑक्जिलिक एसिड इन ए कॉनिकल प्लास्क ये करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं द कंपाउंड दैट कांट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ की तरह भी कौन करेगा जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है 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 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इंक्रीज भी 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 हो 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 सकता है. हो सकता है, हो सकता सकता और डिक्रीज डिक्रीज वो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह यहां देखो देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस थ्री आपको पता है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या है माइनस थ्री से लेकर के प्लस फाइव है इन बिटवीन माइनस थ्री एंड प्लस फाइव है तो इसका मतलब दोनों की तरह बिहेव करेगा तो बिल्कुल ये दोनों की तरह बिहेव करता है नाइ, नाइट्रस एसिड है हाइड्रोजन परऑक्साइड है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है माइनस वन दोनों की तरह बिहेव करेगा कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू है और टू में जीरो होता है तो इन बिटवीन जीरो एंड माइनस टू है दोनों की तरह बिहेव करेगा फॉस्फोरिक एसिड में पी का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइव है पी का ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा माइनस थ्री से प्लस फाइव तो प्लस फाइव है इसका मतलब हाईएस्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ओनली डिक्रीज हो सकता है इंक्रीज नहीं हो सकता डिक्रीज हो सकता है इसका मतलब इसका ओनली रिडक्शन हो सकता है अदर को ओनली ऑक्सीडाइज करेगा तो ये दोनों की तरह बिहेव नहीं कर सकता और दोनों की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये आपका आंसर है यहां देखो देखे सल्फर है सेंट्रल आइटम सल्फर है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस टू से लेकर के प्लस सिक्स इन बिटवीन माइनस टू एंड प्लस सिक्स है तो दोनों की तरफ बिहेव करेगा तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां प्लस फोर है तो यह भी दोनों की तरफ बीहेव करा ये दोनों की तरफ बिहेव करे और ये नहीं करा आपको यह कहा कि कौन सा नहीं करा है तो आंसर हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फेर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट फेर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी एफ एसओ फोर डॉट सेवन एच टू इज यूज टू फोर्टी फोर्टी फाइव फूट मतलब उसमें आयरन का कंटेंट इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है आयरन द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव टेन पीपीएम ऑफ आयरन इन हंड्रेड के जी ऑफ वीट इज आपको ये कंसल्टेशन रखनी है आयरन की ये कंसल्टेशन रखनी है टेन पी पी एम हंड्रेड के जी वीट में तो टेन इज इक्वल टू ये आ गया वेट ऑफ आयरन वेट ऑफ आयरन अपॉन में वेट ऑफ वीट ये हंड्रेड के जी है हंड्रेड के जी का मतलब हंड्रेड इंटू टेन की फोर थ्री ग्राम में कन्वर्ट हो गया इन टेन की फोर सिक्स तो ये आयरन का जो वेट आया है वेट ऑफ आयरन ये आ गया आपके वन ग्राम आयरन का वेट वन ग्राम आया है लेकिन आपको आयरन का वेट नहीं पूछा था फेर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का वेट पूछा आपको द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड टू सॉल्ट का क्या अमाउंट होगा तो ये देख लो ए तो ये Fe के लिए 56 प्लस में सल्फेट के लिए ये 96 आ गया प्लस में सेवन इंटू एटीन इतने ग्राम में अगर 56 ग्राम आयरन हो इसका मतलब इसके कितने वेट की रिक्वायरमेंट होगी इस वेट की रिक्वायरमेंट होगी आपको ये कहा है कि अगर वन ग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट हो तो सॉल्ट के कितने वेट की रिक्वायरमेंट होगी तो फाइंड आउट कर दो यहां से ये 278 सेवेंटी एट मोलिकुलर वेट है इसका 278 एट ग्राम है ये है फिफ्टी सिक्स ग्राम आयरन है तो अगर आपको फिफ्टी सिक्स ग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट हो तो कंपाउंड कितना लेना होगा इफ यू नीड फिफ्टी सिक्स ग्राम आयरन देन द वेट ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टू एट ग्राम आपको आयरन के कितने वेट की रिक्वायरमेंट है वन ग्राम तो सॉल्ट के कितने वेट की रिक्वायरमेंट होगी तो 278 सेवेंटी एट बाई फिफ्टी आ जाएगा ये 4.97 या 4.96 ग्राम के अराउंड आ रहा है 4.96 या 4.97 नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 फाइव एन थ्री इज यूज इवन इन स्पेस क्राफ्ट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन डेली कंजप्शन ऑफ प्योर ऑक्सीजन बाई ए पर्सन इज फॉर नाइनटी टू लीटर एट वन ए टी एम एंड थ्री हंड्रेड कैलवीन हाउ मच अमाउंट ऑफ एन ए सी एल ओ थ्री इन ग्राम्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर द डेली कंजन ऑफ ए परसन एट वन ए टी एम एंड थ्री हंड्रेड कैलवीन आपको रिएक्शन दे रखी है आपको ये रिएक्शन दे रखी है इसमें आप ऑक्सीजन के मोल्स बता दो और ऑक्सीजन के मोल बताओगे तो उतने ही मोल किसके आएंगे एन ए सी एल ओ थ्री के आएंगे आपको आपको इसका अमाउंट बताना है एन ए सी एल ओ थ्री का किसमें ग्राम में तो सबसे पहले काम करेंगे मोल बताएंगे ऑक्सीजन के मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कैसे बताएंगे पी आपको दे रखा है वन वी आपको दे रखा है फोर नाइनटी टू फोर नाइनटी टू फोर नाइनटी टू अपॉन में जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन इन टू थ्री हंड्रेड फोर नाइनटी टू बाई ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स थ्री तो ये आ जाएगा रफली अगर कहे तो ट्वेंटी ट्वेंटी मोल्स के अराउंड ट्वेंटी के अराउंड अब आपको वेट बताना है वेट बताना है का तो ट्वेंटी को मल्टीप्लाई कर दो इसके मोलिकुलर वेट से क्या आएगा इसका मोलिकुलर वेट ट्वेंटी थ्री प्लस में थर्टी फाइव पॉइंट फाइव प्लस में फोर्टी एट ट्वेंटी को मल्टीप्लाई करोगे मोलिकुलर वेट से ये मोलिकुलर वेट है वन जीरो सिक्स पॉइंट फाइव आपका आंसर आ जाएगा टू वन थ्री जीरो ग्राम टू वन थ्री जीरो ग्राम ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन हिस्टामिन इज द मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन हिस्टामिन इज तो जो फॉर्मूला है हिस्टामिन का ये स्टामिन है नंबर ऑफ अगर कार्बन कहे का नंबर ऑफ कार्बन फाइव है हाइड्रोजन नाइन है और नाइट्रोजन थ्री नंबर ऑफ कार्बन फाइव हाइड्रोजन नाइन नाइट्रोजन थ्री है परसेंटेज बतानी है नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन की परसेंटेज बताने के लिए क्या करोगे थ्री इन टू फोर्टीन अपॉन में इसका मोलिकुलर वेट क्या आ जाएगा मोलिकुलर वेट सिक्सटी प्लस में नाइन प्लस में फोर्टी टू वन 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 आ गया वन 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 हंड्रेड कर दो फोर्टी टू बाई वन 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 हंड्रेड थर्टी सेवन थर्टी एट के अराउंड आएगा एग्जैक्ट वैल्यू देख लो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हार्डनेस ऑफ ए वॉटर सैंपल कंटेनिंग टेन गी पॉल माइनस थ्री एम मैग्नेशियम सल्फेट एक्सप्रेस ये मैंने आपको पहले बताया अभी वहां कैल्शियम सल्फेट था या मैग्नेशियम सल्फेट है सेम क्वेश्चन है टेन गी पॉल माइनस थ्री एम एम जी एस ओ फोर दे या टेन गी पॉर माइनस थ्री एम सी एस ओ फोर दे सेम कंडीशन है इसका मीनिंग ये होता है टेन गी पॉल माइनस थ्री मोलर एम जी एम जी फोर क्या मीनिंग हुआ टेन की पावर माइनस थ्री मोल है पर लीटर में वन लीटर वाटर में तो टेन की पावर माइनस थ्री मोल है तो मास कितना हुआ टेन की पावर माइनस थ्री इंटू हंड्रेड कर देंगे टेन की पावर माइनस वन ग्राम टेन की पावर माइनस वन ग्राम तो टेन की पावर माइनस वन ग्राम है इट मीनस टेन की पावर माइनस वन यानी पॉइंट वन अपॉन में टेन की पावर थ्री इंटू टेन की पावर सिक्स ये आ जाएगा आपका हंड्रेड पीपीएम ये क्वेश्चन सेम था मैंने पहले बताया यहाँ सी एसओ था कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ एम जी कर दो सी ए कर दो सी एसओ कर दो तरीका वही है हार्डनेस के दो तीन प्रॉब्लम बता दिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 10.3 टेन मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन टू ए लीटर ऑफ सी वाटर ऑफ डेंसिटी 1.03 ग्राम पर थ्री ग्राम पर एमएलट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पीपीएम तो पीपीएम में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बतानी है पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ये वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 टेन की पावर सिक्स सॉल्यूट का वेट ऑक्सीजन का वेट 10.3 पॉइंट थ्री मिली टेन पॉइंट थ्री इंटू टेन की पॉर माइनस थ्री ग्राम में कन्वर्ट कर दिया इंटू ए लीटर ऑफ सी वाटर तो डेंसिटी आपको दे रखी है मल्टीप्लाई कर दो इक्वल होता है के क्यों कन्वर्ट किया क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर एम एल में थी वन पॉइंट जीरो थ्री ग्राम पर एम एल तो ये हो जाएगा आपका वन जीरो थ्री जीरो थ्री जीरो ग्राम इन टू क्या कर दोगे टेन की पावर सिक्स कर दोगे टेन आ जाएगा ये कंसल्टेशन आ जाएगी ओ टू की कंसल्टेशन आएगी पीपीएम टेन पीपीएम ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग